बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच उनकी ही पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी पर ऐसा बयान दिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद नहीं आएगा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में शराबबंदी को असफल करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार के कहने से शराबबंदी सफल नहीं हो जाती। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा बुधवार को हाल ही में वैशाली जिले के महुआ स्थित एक गांव में पहुंचे। वहां कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है, सिर्फ सरकार के कहने से शराबबंदी सफल नहीं हो जाती। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल, सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग का एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है। लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है, जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा, और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। आज हाँ, हमारी पार्टी की स्थानीय इकाई चुनाव लड़ने की बात करती है तो हम चुनाव भी लड़ते हैं। गुजरात में भी कुछ जगह हम चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जहाँ जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है उस गठबंधन के लिए काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जनता को सहयोग करना होगा। जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक शराबबंदी सफल नहीं होगी। अभी के हालात तो आप जानते ही हैं। हालांकि कुशवाहा ने यह भी कहा कि शराबबंदी से समाज को बहुत फायदा हुआ है, यह जितना सफल होगी उतना ही और लोगों को फायदा होगा। शराबबंदी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि जेडीयू नेता की ओर से जो कहा गया है वो एक तथ्य है। बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा निसंदेह नीतीश कुमार की तुलना में अधिक ईमानदार समाजवादी हैं। शराबबंदी एक विफलता है और अपराध बढ़ रहा है। लोग समानांतर अर्थव्यवस्था और अपराध के कारण पीड़ित हैं, जो शराबबंदी के कारण स्थापित किया गया है। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल, सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग का एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है। लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है, जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा, और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। आज हाँ, हमारी पार्टी की स्थानीय इकाई चुनाव लड़ने की बात करती है तो हम चुनाव भी लड़ते हैं। गुजरात में भी कुछ जगह हम चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जहाँ जिस पार्टी के साथ गठबंधन होता है उस गठबंधन के लिए काम करते हैं। महागठबंधन सरकार में शराबबंदी को लेकर अब अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। पिछले दिनों जेडीयू के साथी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के चीफ जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से गरीब लोग जेलों में बंद हैं और बड़े बड़े तस्कर खुले घूम रहे हैं। पूर्व सीएम ने नीतीश सरकार को यह सुझाव भी दिया कि वो 250 ग्राम यानी एक क्वार्टर शराब पीने वालों को न पकड़े। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।